तो आज हम देखने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर टॉप 10 मिथ्स जो कि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताए हैं। लेट्स गो। मिथ नंबर 1, मिनी जेटपैक और स्मॉल डायनो को एक साथ क्लिक करो फिर ड्राइव करो फिर एग्जिट करो, तगड़ा मैजिक होगा। ओके, मिनी जेटपैक और स्मॉल डायनो, तो मिनी जेटपैक का चीट कोड यहां पर है 330 होना चाहिए, 330। एंड यस, ये है मिनी जेटपैक और यहां पर एक डायनासोर स्पॉन करना अपने को छोटा वाला, उसका चीट कोड 5050 यही है शायद। ओके, यहाँ पर ट्राई करते हैं शायद से। ओके यस, सही है भाई पहली बार। ओके, दोनों का एंटर बटन एक साथ आ चुका, अभी ड्राइव करते इसको। एंड वेट, ये क्या हुआ, बंदा अपना उस साइड बैठ चुका, अभी तो इतना कुछ डिफिकल्ट डिफरेंट नहीं लग रहा, वैसे इसमें क्या डिफरेंट है। ओके, ये अभी ये चल रहा अपना अपना किरट। ओ वेट, अभी ये भी चल रहा है, ये देखो भाई वो जेट पैक ऑटोमेटिक उड़ते जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल जेट पैक हो चुका। वो देखो भाई कहाँ पर उड़े जा रहा है, ओके ऊपर भी उड़ चुका वो भाई, ऊपर गया वो, पूरा ऊपर निकल चुका, अभी पूरा ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी हम यहाँ से ऊपर देख नहीं सकते। इससे अगर एग्जिट करें तो इसमें क्या होने वाला है। ओके, तो वेट, अभी ये तो वॉइड में गिर गए, अबे शिट भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक गिर चुका। यस भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये मिथ होता है कन्फर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ। शोरूम के आगे वाला रैंप है, वहाँ पर जो एडजस्टमेंट रोल ऑन लिखोगे फिर देखो मैजिक। ओके, शोरूम के आगे वाला वहां पर जाना पड़ेगा, जल्दी से वहां पर चलते, डायरेक्ट जाएंगे भाई सीधे यहां पर इसको स्पॉन करके और मैं वहां पर पहुंचता हूं जल्दी से, लेट्स गो। तो यहां पर ये रहा एडजस्ट टूल, यहां पर जाकर अपने को रोल ऑन लिखना है। तो गाइस ये सामने वो देखो स्टार्ट हो चुका, देख सो यहाँ पर, तो इस टाइप से यहाँ पर गोल गोल घूमने लग जाए। और सिर्फ गाइस यही नहीं, यहाँ पर आप जैसे वहाँ पर जाओगे ना आपको वहाँ पर भी मिलता है जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी यहाँ पर इसी टाइप से घूमता है, वहाँ पर मैं जाकर आपको दिखा। सो गाइस अभी आप क्लोज से देखो किस टाइप से घूम रहा है, एक बार इससे टकरा जाए तो क्या हाल होगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते। अभी हम टकराने वाले, लेस भाई एक टक्कर मार के, अभी ये क्या हो रहा है, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही झटके दे रहा, भागो भाई यहाँ से अभी मार ही डालेगा। सो गाइस ये देखिए, ये जो यहाँ पर कंटेनर मिलता है ब्लू कलर का, ये भी इस टाइप से रोटेट होता है, तो ये मिथ होता है यहाँ पर कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, अगर आप लैम्बोर्गिनी का कलर करते हो तो उसका डोर ग्रीन ही रहेगा। वेल, कौन सी वाली लैम्बोर्गिनी यहाँ पर ट्राई करते, यहाँ पर एक तो इससे आती 4x3 से लैम्बोर्गिनी आती ये वाली, तो इसका डोर को यहाँ पर ट्राई करते, ये ग्रीन कलर में तो वैसे ये स्पॉन हुई है, तो इसका कोई भी डिफरेंट कलर कर दे, नहीं भाई इसमें तो चेंज हो रहा है कलर, लेकिन एक और लैम्बोर्गिनी वेनेनो। सो गाइस ये है 700 से मैंने स्पॉन कर दी, अभी इसका कलर यहाँ पर चेंज कर दे। अच्छा हाँ भाई, ये पहले भी होता था और अभी भी, आप देखो यहाँ पर हर एक कलर ट्राई कर, ये ब्लैक में देखो लेकिन फिर भी इसका ग्रीन है, RGB कर दे तो यहाँ पर RGB हो रहा है, लेकिन ये वाला डोर पता नहीं इसमें क्या सीन है, जबकि ये एंटर यस दोनों साइड से हो रहा है, तो यस भाई ये वाला मिथ भी होता है यहाँ पर कंफर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, जेट पैक खाली लेकर जाओ पानी में, जेट पैक में बैठ जाओ। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर चलते अपने यहाँ पर घर के यहीं पर आपको आगे स्विमिंग पूल मिलता है, तो यहाँ पर अपने को जेट पैक स्पॉन करना है, तो कौन सा वाला जेट पैक, लाइक कोई सा भी स्पॉन कर सकते होंगे शायद से, तो यहाँ पर हम बड़ा वाला जेट पैक स्पॉन करते ये वाला, और इसको पानी में जाना अपने को स्विम करना है और फिर इसको ड्राइव करना है, तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी। ओके, ड्राइव का ऑप्शन तो आ चुका है। एंड भाई ये कुछ अलग ही दिख रहा है भाई, ये कैसे बैठा है भाई, अलग ही पोजीशन में देखो बैठो, मतलब कुछ अलग ही। तो लेट्स गो, इसको एक बार स्टार्ट करते हैं एंड देखते क्या होने वाला है। वेट, ये कैसे बैठा हुआ है और ये पैर क्या कर रहा है भाई, ये कुछ फनी गिलीज है वाकई में भाई, ये कुछ अलग ही सीन हो रहा है, मतलब बैठा हुआ है इसके अंदर लेकिन फिर भी ये पैर को हिल रहा, पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल तो आपको पता है नॉर्मल किस तरीके से बैठता है, लेकिन अभी कुछ अलग ही टाइप से बैठा है। लुक, रुको गाइस, इसको अगर लैंड करे कोई सी जगह पर तो फिर कैसा होगा, लाइक यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग के ऊपर इसको लैंड करते हैं एंड फिर भी कि इसकी ये वाली हरकतें चालू रहेगी या फिर नहीं, ये मेरे को चेक करना है। तो यहाँ पर परफेक्ट लैंडिंग, लेट्स गो, अभी उतर जाते हैं एंड देखते अभी। वेट, अभी ये तैरने लगा भाई, ये सही चीज, मतलब कहीं पर भी अपने को जाना है और आप तैर सकते हो इस टाइप से हर जगह पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये वाला मिथ भी होता है यहाँ पर कन्फर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, जेट पैक को फोड़ नहीं सकते। लेट्स गो, ये भी ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर। तो फिर से घर के अंदर आ चुको, जेट पैक के काफ़ी मस्त मस्त मिथ बताए लोगों ने, तो थैंक यू। और भी कुछ मिथ बताओ तो जल्दी से मेरे को कॉमेंट्स में बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप से आपके शॉर्ट आउट भी मिल जाए, इस टाइप से आपके मिथ्स भी मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर दोनों जेट पैक स्पॉन कर लिए मैंने, सबसे बड़े वालों को फोड़ते। एंड भाई फूटा तो नहीं भाई, ये तो कन्फर्म है क्योंकि उड़ चुका है। और ये देखो फिर से आ गया भाई, भाई ये कुछ अलग ही, एक बार फिर से ट्राई किया एंड एक बार फिर से आ गया, तो मतलब ये नहीं फूट पाएगा। ये देखो भाई फिर से आ गया भाई, अलग ही खतरनाक है भाई, ये नहीं फूट सकता। चलो ये छोटे वालों को फोड़ कर देखते, भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ऊपर गया। अभी ये भाई ये भी आ रहा है भाई, भाई ये क्यों नहीं फूटते भाई, मतलब इनमें फायर वाला सिस्टम एड नहीं किया। लाइक ये वाला मिथ भी यहाँ पर 100% होता है कन्फर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, अगर आप ट्रेन के आगे 2 बार 00 डायल करोगे, 2 गैस मंगाना है एंड आप उससे चिपक के स्टैंड होगे तो मैजिक होगा।
तो उसके लिए मैं चले जाता हूँ सीधे यहाँ पर चैलेंज में और फन ट्रैक पे। तो यहाँ पर दो बार अपने को 00 डायल करना एंड 00 सेम पोजीशन में अपने को स्पॉन करना था। यहाँ पर एक बार एक और बार स्पॉन किया तो दो एक ही जगह पर स्पॉन हो चुका अभी अपने। ओ वेट, हाँ भाई ये सही है भाई, इस टाइप से हम क्या ट्रेन के ऊपर चढ़ सकेंगे। लेट्स गो, ये देखो जस्ट अपने सामने एंड अरे नहीं भाई ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ सकता भाई ये। वैसे आपको पता होगा ट्रेन के ऊपर हम खड़े भी नहीं रह सकते, तो ये वाला मिथ भी काफी इंटरेस्टिंग था, ये भी होता है यहाँ पर कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, दो मिथ है पूरे, 8000 हेलीकॉप्टर स्पॉन करना है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर स्पॉन करके जैसे आप एंटर करके हेलीकॉप्टर उड़ा दोगे तो ऊपर वाले हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपके साथ उसके बाद। भाई ये क्या था। वेल गाइस मेरे को समझ आ चुका है, एक और है इसका, पहले ये देख ले 8000 एंड एक और 8000, यानी दो हेलीकॉप्टर स्पॉन करना है लेकिन अपने को एक को ड्राइव करना है तो ऊपर वाला भी उड़ेगा, इस टाइप का इनका कहना है। तो लेट्स गो यहाँ पर, वेट ये ऊपर ही भाई अभी तक नीचे नहीं गया। लेट्स गो गाइस, क्या ऊपर वाला, अरे हाँ भाई उड़ गया भाई। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे ट्रांसपोर्ट करे एक हेलीकॉप्टर को दूसरी लोकेशन पर, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टेप नहीं भाई मतलब पूरा रोटेट कर दीजिए, देखो मैं पूरा इसको घुमा दे तो, लेकिन ये घूम भी नहीं रहा है भाई। ये देखो जॉयस्टिक वगैरह सब कुछ मूव करो लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है इसको घूमने में, लेकिन और तो घूम भी नहीं रहा है। ये देखो मैं इसको किसी साइड यहाँ पर घुमा भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्या सुन रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला था यहाँ पर ये उड़ तो रहा है इसके साथ साथ, तो ये फर्स्ट मिथ होता है कन्फर्म। नेक्स्ट उनका एक और है, हेलीकॉप्टर स्पॉन करो उसके बाद हेलीकॉप्टर पर एंट्री करके जमीन से थोड़ा ऊपर ले जाकर जैसे आप एग्जिट करोगे तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता रहेगा, सिंपल। लेट्स गो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्पॉन किया एंड ये अपने को एंटर किया एंड थोड़ा सा ऊपर उड़ाना है इसको और फिर हम जल्दी से नीचे कूद जाएंगे। ओ वैसे गाइस यहाँ पर आई थिंक इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेनी चाहिए थी एंड अरे हाँ भाई वैसे इन्फिनिटी हेल्थ की जरूरत नहीं। और वो देखो इतने टाइम से अभी तक नीचे नहीं गिरा और आपने देखो थोड़ी सी टाइम के लिए वो अभी देखो इतने टाइम के बाद ये नीचे गिरा, तो यस भाई सेकंड मिथ भी इनका होता है कन्फर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, जेट को स्पॉन करो एंड उसकी ब्लेड्स देखो ऑफ है एंड एक बार फ्लाई करने के बाद जेट की ब्लेड ऑफ नहीं होगी। ओके ब्लेड्स मीन्स लेट्स गो जेट, भाई ये भी बता दिए बड़ा वाला जेट होगा ऑब्वियसली ब्लेड्स इसके अंदर, ब्लेड मीन्स आई थिंक ये होगा इनकी पंखुड़िया। तो लेट्स गो एक बार इसको ड्राइव करना है एंड इसको थोड़ा सा ऊपर उड़ा देना है। लेट्स गो जल्दी जल्दी चल भाई, यहाँ पर अभी फुल एक्सीलेटर दबाते एंड अभी नीचे आ जा, चल बेटा आ जा बस इतना ही ऊपर जाना था एंड यहाँ पर अभी हम जाएंगे इसको एग्जिट कर देंगे। अच्छा ब्लेड्स मीन्स यस भाई समझ आ गया, इसके जो पंखे हैं ये देखो अभी तक कंटिन्यूसली घूमे जा रहे जबकि हम यहाँ इससे नीचे उतर चुके, ये बंद भी नहीं हो रहे भाई, ये सही था। तो ये वाला मिथ भी होता है यहाँ पर कन्फर्म, अगर आप बोलेरो के साथ रेड जेट पे एक साथ बैठोगे तो एग्जिट करना है फिर देखना मैजिक। ओके बोलेरो और रेड जेट पे, लेट्स गो 320 वाला ही। तो सबसे पहले बोलेरो स्पॉन करते 3100 इसका चीट कोड बोलेरो का, अभी 320 से आएगा ये वाला अपना जेट पे, तो 320 एंड यहाँ पर एंटर अच्छे से अपने को लगाना है ताकि दोनों का बटन एक साथ आ जाए एंटर बटन। वेल गाइस दोनों का एंटर बटन तो आ रहा होगा लेकिन दोनों का एंटर बटन पर कार का एनिमेशन मतलब कार का एक आइकन आता है, इसकी वजह इसको थोड़ा सा पास में ले जाना अपने को कुछ इस भाई। सो गाइस अभी देख सो इस स्टेप से चिपका कर खड़े कर दिया, अभी दोनों को एंटर करना है एंड आई थिंक दोनों को ये देखो एंटर कर लिया भाई, एक बार इसमें भी बैठा था इसमें एक बार इसमें भी। तो भाई ये देखो इसके हाथ से इसने पकड़ रखा है जेट पैक लेकिन गाड़ी चला रहा है भाई, ये इसके पैर पीछे हो चुके भाई, ये देखो इसके हाथ पीछे निकल चुके भाई, ये कुछ अलग ही दिख रहा है भाई। क्या जेट पैक उड़ेगा भाई, जेट पैक भी उड़ रहा है वो देखो, और इसके हाथ पंप बाहर निकल गए भाई, ये अलग ही खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है। ये देखो भाई सामने से इसके पूरे पैर बाहर निकल चुके भाई, ये मस्त था भाई, कुछ भी बोलो भाई, पूरे पाँव भाई इसके जिस साइड वो जेट पैक जा रहा उस साइड इसके पाँव घूम रहे, लेकिन अगर यहाँ से अगर एग्जिट होते हैं तो क्या होने वाला है। लेट्स गो, अरे यार भाई अभी ये वाला सिस्टम एक्टिवेट कर दिया भाई, यहाँ पर डेवलपर ने अभी इनको पता चल चुका है तो ये अभी वॉइड में गिरा देते। खैर गाइस ये वाला मिथ भी होता है यहाँ पर कन्फर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, पहले दो एक के ऊपर एक मस्टैंग स्पेंड करो फिर एक हेलीकॉप्टर और बाइक में एक साथ बैठो, फिर उसके बाद आपको मस्टैंग में बैठना है और आपका कार रिमोट कंट्रोल बन जाएगा, लेकिन ये मोबाइल का मिथ है। अच्छा वैसे मैं पीसी में एम्यूलेटर प्ले करो लेकिन ट्राई करके देखते। 8123 इससे आ जाएंगे मस्टैंग, दो मस्टैंग स्पॉन करनी, वैसे 8123 यहाँ से दो मस्टैंग स्पॉन कर ली एंड बाद में अपने को हेलीकॉप्टर और बाइक को तो एक साथ बैठना है, तो यहाँ पर एक कोई सी बाइक स्पॉन करते 666 से शायद से कोई सी बाइक तो आई जाएगी, बने ली टेंटी यस। एंड पहले अपने को यहाँ पर एंटर करना है और दोनों का एंटर बटन एक साथ आ चुका है एंड यहाँ से एग्जिट करना है अपने को फिर से एंटर करने के बाद, ये एंटर कर लिया अभी एग्जिट कर लेते, हेलीकॉप्टर एक्टिवेटेड हो चुका भाई, ये क्या था भाई, ये तो अवॉइड में गिर गया भाई ये तो। सो बस अभी R15 स्पॉन करी, दोनों को एक साथ एंटर करना पहले तो हेलीकॉप्टर और इसको,
तो ये भी एंटर कर लिया। एक बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको, आई होप इस बार ये वर्क कर जाए। अभी हेलीकॉप्टर को उड़ा देते, क्या पता यहाँ से इससे कुछ होता हो, हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं रहा। वेल यहाँ पर एग्जिट करते एंड ओके, एग्जिट तो हो चुके हैं, अभी नीचे नहीं गिरे वैसे, लेकिन बाइक का ऑप्शन अभी भी मेरे पास आ रहा है एंड अभी कार के अंदर एंटर करना है। तो भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये कुछ अलग ही ग्लिच यहाँ पर दिख रहा है एंड कार रिमोट कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई कार का गेट जरूर खुला है लेकिन वो रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई यहाँ पर गेट खुल चुका है इसका, एक और बार ट्राई कर लेते, इस बार अपने को ये वाला ऑप्शन ही दिख रहा है। रुको इसको एक बार फिर से एंटर करके देखते एंड वेट, यहाँ पर एंटर भी नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर गेट कुछ इस टाइप से ग्लिच हो चुका है, ये पता नहीं कुछ अलग ही सीन हो रहा भाई। वैसे इन्होंने बोला था मोबाइल का मी थे तो ये इस वाले में होता है बस के। सो गाइस ये थी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिथ्स जो कि आप लोगों ने बताए, और भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स बताओ इस वाले न्यू अपडेट से रिलेटेड तो कमेंट्स में बता दीजिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।